देखिए पूजा पाठ करके आई हूँ, मैं जलेबी करके आई हूँ पूजा पाठ, तो हीरो ऐसे भी जल्दी ठीक हो जाएगा। मंगलवार सुबह बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा बड़े हादसे का शिकार हुए। जी हां, गोविंदा से खुद के हाथों से अपने ही पैर पर गोली लग गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उनकी सर्जरी की गई। वेल, अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। वहीं गोविंदा ने अपने बयान में पुलिस को जानकारी दी थी कि जब वे रिवॉल्वर साफ कर रहे थे तब उसका लॉक खुल गया था, जिससे गोली चल गई। साथ ही गोविंदा ने बताया कि वो रिवॉल्वर करीब 20 साल पुरानी है, लेकिन हाल ही में वायरल हो रही रिपोर्ट्स के अनुसार, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गोविंदा के बयान से पुलिस को डाउट हो रहा है, जिसकी वजह से पुलिस दोबारा गोविंदा से बयान ले सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा की बेटी टीना आहूजा से भी पुलिस ने बयान लिया है। वैसे अभी तक गोविंदा के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसके बाद उन्हें गलत या झूठा ठहराया जा सके, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब रिवॉल्वर 0.32 बोर की थी तो उससे फायर हुई बुलेट 9 mm की कैसे हो सकती है, क्योंकि इस रिवॉल्वर में 9 mm की बुलेट आ ही नहीं सकती है। अब पुलिस हादसे का से या वारदात के एंगल से छानबीन करेगी और केस की जांच करेगी। यही नहीं, पुलिस को इस बात का भी शक है कि गोविंदा को जब गोली लगी थी उस वक्त कोई और भी उनके साथ मौजूद था। आखिर वो शख्स कौन था, इसका पुलिस पता लगा रही है। वेल, अब आगे पुलिस क्या एक्शन लेती है ये देखना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह हॉस्पिटल पहुंची गोविंदा की वाइफ ने उनका हेल्थ अपडेट दिया और बताया कि वो उनके लिए पाठ पूजा कर रही हैं। गोविंदा का तबीयत अभी ठीक है, काफ़ी बेटर है, शायद मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम को या तो कल डिस्चार्ज कर देंगे उनको। अभी बहुत ठीक है अभी तबीयत। कल तक सर बहुत मानते हैं नवरात्रि का आज पहला दिन है, आज शुभ दिन घर पर मैं देखिए पूजा पाठ करके आई हूँ, मैं उनके लिए भी करके आई हूँ पूजा पाठ। अभी आज तो नहीं होगा, शायद कल डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू सो मच। अभी उनका कैसा है? अभी तबीयत ठीक है, तो हीरो ऐसे भी जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी गोविंदा का तबीयत एकदम ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली कल उनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है और मैं घर से पूजा करके ही आई हूँ, गोविंदा के लिए भी पूजा किया है, तो वो एकदम ठीक हो जाएंगे। एकदम चिंता मत करिए, आप लोग खुश रहिए, क्योंकि वो खुद हंसता खेलता रहता है, वो हंसता खेलता ही बाहर आएगा। अभी ऐसे कहा जा रहा है कि सबकी भी इच्छा थी कि नवरात्र का पहला दिन है वो घर पे जाए। हाँ, लेकिन डॉक्टर जब तक हमको नहीं बोलते हम नहीं लेके जा सकते ना, डॉक्टर जो बोलेंगे हमें वही करना पड़ेगा, जो डॉक्टर का होगा वही करेंगे। अगर आज दे देंगे तो आज ले जाएंगे, नहीं तो फिर कल लेके जाएंगे। नवरात्र तो 9 दिन है माता का। ठीक है, चलिए जय माता दी। हाथ रखा था ना, वो डर लग रहा है। हाँ, ऊपर जाता है।